देखिए सर, हम लोग का सब कुछ भस गया सर, कैसे खाएंगी? बच्चा सब भूखा है, कैसे हम रहेंगी? बाल बच्चा सब भूखा है, खेती बाड़ी खत्म हो गया, हम लोग का कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में भर्ती करना है इसको। घर सामान सब कुछ बुआई ना चला गया बानपानी। Right now standing in a very small and poor village in Bihar, in a district called Araria, which is part of four border districts known as Simanchal. The districts are Araria, Purnia, Katihar and Kishanganj. We are affected both by the COVID-19 pandemic, because many of the people who go to migrate for work all over India have lost their livelihoods and they are from here. They've come back. They have also now been additionally burdened by the floods. The monsoon floods have affected our rivers very badly, which have completely overflown. Simanchal is an area which has the Kosi River, the Mahananda River and also the Saru River. All rivers have washed away the homes of people, because this time we had huge monsoon rain. People are now without jobs, without livelihoods, without homes and without food. व्यवस्था नहीं है रहने का, और खाने पीने का कोई व्यवस्था ना, तिरपाल है ना प्लास्टिक है, ना मुखिया है विधायक है, कोई नंबर नहीं है यहाँ देखने के लिए। हम बुरी तरह से फंसा है, बच्चे बच्चे लेके जा रहा हूँ। इस हमारे हालात बहुत ख़राब है इस समय को, ना हमारे एक रुपया है, एक टाइम खाता हूँ दूसरे टाइम के लिए सोच रहा हूँ। देखो इतना बच्चा, चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं हमारे, एक छोटे बच्चे अभी रखा है घर पे, वो भी 3 दिन से रो रहा है भूखा भूखा, ना गैस मिला ना कुछ मिला है, चूल्ही जलाऊं पूरा जल गया है। ले सांप घुसा था, और बड़े सांप है, कम से कम 2-3 फुट लंबा है, गौमा सांप है, काटने पैर में पता पड़ गया रात को, तो देख रहा हूँ सांप है, तुरंत बच्चे लेके निकल गया। रात में जाके रोड में ना प्लास्टिक ना कुछ, बारिश में भींग भींग के सोया हूँ पूरा रात में, अभी बुखार आ गया, ना डॉक्टर के पास जाता हूँ ना कोई इलाज बाकी भी नहीं कर रहा है, ना पैसे है, उस हालत में अभी देख रहा हूँ कोई रास्ता, रोड में अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। Apne Aap, my NGO, has started the 1 Million Meals initiative to make sure that the women and children get food during these very tough times. To do this, we have found a team of volunteers
who are reaching the most remote and isolated areas to make sure that the women and children who have nothing will get something. Suhail Akhtar, a student from the Tata Institute of Social Sciences. He is based in a small village in Katihar district on the bank of a river. He's taking the food that we give him on boats and going into the most isolated villages on the boats with packets of food and giving it. A packet just like the one you see right now. I am so proud of the Tata Institute of Social Sciences and of Suhail Akhtar for really putting in practice what he's learning in the school. I hope more young men come forward and women in my district and this area to make sure that people don't die of starvation. Support 1millionmeals.org so that we can continue the work. The floods are still continuing, as you can see behind. जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि लोग यहाँ से काफ़ी परेशान थे। लोगों को मतलब यहाँ पे इतनी परेशानी थी कि पैंडमिक से तो परेशान थे ही और ये बाढ़ से भी पीड़ित थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या इनको गवर्नमेंट सरकार मदद करती है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि 2017 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो उनको 5000 रुपया मिले थे। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो वार्ड मेंबर और मुखिया होते हैं वो SDO या BDO ऑफिस में पहले बाढ़ पीड़ित घोषित करते हैं अपने अपने एरिया, अपने अपने वार्ड का। तो जब यहाँ बाढ़ पीड़ित घोषित होते हैं तब उनको पैसा मिलती है। तो 2017 में जब बाढ़ एक्सट्रीम पोजीशन पे था तब इनको पैसे मिले थे। तो उसमें से क्या है कि 6000 रुपया घोषित हुआ और मिले इन लोग को बस 5000, 1000 रुपया स्थानीय नेता खा लेते हैं। उसके बाद फिर आती है अपने काम पे। फिर जब मैं यहाँ आया तो मम्मी को कहा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मम्मी ने कहा कि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैं अपने स्कॉलरशिप के पैसों से अपना काम शुरू किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें थे लोगों को। क्यों दिक्कतें थी, क्योंकि लोग यहाँ पे 4 महीने से परेशान थे। क्यों, यहाँ की जो लोग हैं बेसिकली वो प्रवासी मजदूर है। सीमांचल में 4 डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो इधर के लोग ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में काम करते हैं। तो उस समय उस वक्त उन लोगों को वहाँ से भगाया गया था, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे जब 4 महीने से बैठे थे तो इनके पास पैसा नहीं था, राशन नहीं थे, खाना नहीं था। तो इन लोग को कैसे मिलता, कौन इन लोग को देता। तो हम लोग को लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। फिर हमने क्या किया, अपना नाव लेके हर वो घर तक पहुंचा, हर वो परिवार तक पहुंचा, हर वो पंचायत तक पहुंचा जहां तक पॉसिबल हो।
हमने हर घर को राशन दिया, कपड़े दिए, खाना बांटा, फल दिया और खिचड़ी भी खिलाया। सिर्फ ये नहीं, महिलाओं को हमने सैनिटरी नैपकिन दिया क्योंकि उस समय हेल्थ भी बहुत ज़रूरी था, कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी था। फिर हमने अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ पे सरकार वैसे कुछ मदद कर नहीं रही है, हमें कुछ फंड्स कलेक्ट करना है। तो फिर मेरे दोस्तों जो JNU, जामिया अलीगढ़ और टिस में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे मदद किया। फिर उस फंड से हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे मदद किया। लगभग हमने 5,000 लोगों को मदद किया, 450 परिवार को खाना दिया। सिर्फ ये नहीं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको हमने कपड़ा दिया। क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक था, कोरोना से सब लोग डर रहे थे, तो कोई काम करना नहीं चाहता था। तो किसी को भी मैं बोलता था कि हाँ चलो यार कुछ खाना बांट के आना है लोगों को, लोग घर डूब चुका है, तो वो कहते थे कि नहीं कोरोना हो जाएगा, हम नहीं निकल सकते हैं। तो लोग उस टाइम निकलना ही नहीं चाह रहे थे, हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। तो पानी में हमने अपने कुछ लोगों को, अपने परिवार के ही लोगों को लेके अपना काम शुरू किया था। और दिक्कतें ये हुई कि हमको नाव नहीं मिलती थी। नाव इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, फिर उसका उन लोग अपना फैमिली चलाते हैं उससे, तो वो अपना नाव नहीं देना चाहते थे। फिर हमने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आपको कुछ दे देंगे, आप अपना नाव दे दीजिए कुछ दिन के लिए। फिर हमने 3-4 नाव अलग अलग दिन पर अलग अलग लोगों से लेता था, और फिर नाव लेके हर अलग अलग दिन अलग अलग पंचायत में हम लोग जाके खाना बांटते थे। ये हमारा घर में मदद करना है फखरुद्दीन नेता, वो ये लोग हम लोग ऊँची जगह पे लेके जा रहा है। हमारा घर में पूरा पानी घुस गया है, ये फखरुद्दीन नेता हम लोग को मदद करने आया है, और अभी ये 2 बजे खाना देने आएगा, ऊँची जगह पे लेके जा रहा है, बोला अभी खाना देंगे 2 बजे। आज तक कोई स्थानीय कोई भी पॉलिटिकल नेता या कोई लोग देख रेख करने के लिए नहीं आए। यहाँ माल मवेशी एवं लोग भूखे कई दिनों से स्कूल में बसे हुए हैं, और हमने मेरा बड़ा लड़का के इस पर कहने पर कि पापा काफ़ी लोग भूखे हैं लगवा 10 ग्राम सतुआ स्कूल में, चलिए कुछ दिया जाए। फिर आपने मेरे कोशिश से मैंने लोगों के लिए राशन पानी लेकर आया और लोगों को देने का काम किया, और काफ़ी मात्रा में खिचड़ी बांटने का भी काम किए। हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, बाढ़ के कारण पूरा घर डूब चुका है, और ऊंचे स्थान पे रहने के लिए जा रहे हैं हम लोग पूरा परिवार लेके, पूरा सामान लदा हुआ है इसके ऊपर, और हमारे साथ में सोए लगता है जो हम लोग का मदद किया। भोजन आ डालेगा
ये चाहूँगा कि हर बच्चे अपने अपने एरिया में या तो वो खाना बांटें या एजुकेशन का अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम करवाएं और बच्चों को बताएं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चों को नहीं, महिलाओं को भी बताएं कि हमें पढ़ाई के आगे बढ़ना है, पढ़ाई के साथ चलना है, ताकि हम अपना परिवार को देख सकें, हम अपना कम्युनिटी को देख सकते हैं, फिर अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।